शहर में संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए शहर की पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही है। उनके मुताबिक पिछले कुछ महीनों में सराय मौका तड़ीपारी समेत कई अन्य अपराधों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस आयुक्त के अनुसार पिछले दो दिनों में 17 लोगों को तड़ीपार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में गुंडों को तड़ीपार किया गया है। पुलिस आयुक्त के अनुसार पिछले दो दिनों में 17 लोगों को तड़ीपार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में गुंडों को तड़ीपार किया गया है। इनमें अशोक उर्फ बाबाजी चंपालाल यादव, हर्षल परमजीत सिंह उर्फ जेंटिल लोहिया, हर्षल हिवराले, सागर नारनवरे, विशाल नाइक, आदित्य मिश्रा, सुमित उर्फ सुमित तागड़े, अब्दुल रहमान उर्फ रम्मू अब्दुल रजाक, मजीद खान उर्फ मज्जू खान, चंद्रसेन पंडित गायकवाड़, रितेश ताइडे, अश्वजीत उर्फ शिशु तागड़े, सुहास उर्फ भुरिया राजू खोंडे, शरद उर्फ भुरिया श्यामराव कतलाम, हरीश शंकर राव मते और रितेश उर्फ मुरिया चंद्रभान दारोडे का समावेश है। हाँ, ये जो उत्सव बंदोबस्त, ये सन उत्सव जो है उसको ध्यान में रखते हुए सभी कुछ शांति से हो, इसके लिए जो समाज कंटक है उसके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाती है। दो दिनों में करीब करीब 18 लोगों को तड़ीपार नागपुर शहर पुलिस के द्वारा किया गया है और उसके तड़ीपारी के अलावा भी बहुत सारी प्रतिबंधक कार्रवाई लोगों पे की गई। डेफिनेटली जो भी समाज कंटक अपने को अपने रिकॉर्ड पे आएंगे उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।